वेलकम बैक। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मीशो हॉल, जिसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगी बहुत ब्यूटीफुल ड्रेसेस प्लस कुछ बियर्ड प्रोडक्ट्स भी मैंने मंगाए हैं जो मैंने फर्स्ट टाइम देखा, देखने में बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना ट्राई किया जाए और आपके साथ शेयर किया जाए। मीशो इंडिया का नंबर वन अर्निंग ऐप बन चुका है, बहुत सारे लोग अप टू 25,000 पर मंथ अर्न करते हैं। आप इसमें सस्ते रेट से अपने लिए कपड़े खरीद सकते हो या फिर प्रॉफिट और अर्निंग बेसिस पे किसी और को सेल करके उसके ऊपर अर्निंग भी कर सकते हो। तो अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, एंड आप देख रहे हो बी नेचुरल, मैं हूं रेखा, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, जितने भी चीजें मैं आपको दिखाने वाली हूं उन सभी का कोड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और अगर आप भी मीशो से परचेज करना चाहते हो तो मीशो का डाउनलोड ऐप लिंक मैं आपको दे दूंगी, और मीशो को डाउनलोड करने के बाद अगर आप परचेज करते हो तो आपको 30% ऑफ या फिर 100 रुपीज ऑफ मिल जाएगा ऑन योर फर्स्ट परचेज। सो मीशो ऑनलाइन शॉपिंग ऐप है जहाँ पे आपको बहुत सारी डिफरेंट चीजें मिल जाती है, सो आप उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको ये कुर्ती दिखा रही हूँ जो की बहुत ही ब्यूटीफुल से ग्रीन कलर में है, पैरेट ग्रीन कलर है इसका, और काफी अच्छा घेर मिल जाता है, पूरा गाउन या अनारकली ड्रेस टाइप आप इसको बोल सकते हो। 3/4 इसकी स्लीव्स है, स्लीव्स के ऊपर बहुत अच्छा बॉर्डर बना हुआ है और सूट के नीचे भी काफी अच्छा बॉर्डर बना हुआ है, प्लस इसके नेक के ऊपर भी यहाँ सिल्वर डिजाइन है जो की काफी अच्छा इनहांस करता है आपके नेक लुक को। ओवरऑल ये ड्रेस किसी भी एथनिक, ट्रेडिशनल और पार्टी वेयर फंक्शन इवेंट के लिए बेस्ट है, सो आप जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही वाइब्रेंट और समर कलर है, आई जस्ट लव्ड इट। आपको कौन सी ड्रेस सबसे ज्यादा अच्छी लगी लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। नेक्स्ट मैंने येलो कलर का कुर्ता और शरारा मंगाया है विद दुपट्टा, बहुत ही ब्यूटीफुल और वाइब्रेंट कलर की ड्रेस है ये, पूरा लेस वर्क इसके ऊपर दे रखा है, इसके स्लीव्स पे, इसके यहाँ पे नेक के पास नीचे, और यहाँ पे बीच में इतना प्यारा सा लटकन भी दे रखा है जो की बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। साथ ही साथ जो इसका शरारा है अच्छा खासा उसके अंदर घेर है, और अगेन बहुत ही अच्छा लेस वर्क दे रखा है। ये ड्रेस मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल लगी, इसका दुपट्टे के ऊपर भी पूरा वर्क है लेस का, थोड़ा सा मुझे लगा कि दुपट्टे का कलर थोड़ा डिफरेंट है, आई डोंट नो, बट अगर येलो होता तो और भी ज्यादा अच्छा लगता, बट ठीक है, ये भी कुछ डिफरेंट ट्राई करने को आपको मिल जाएगा। इफ यू लव टू मिक्स एंड मैच कलर्स, मतलब सेम येलो कलर की फैमिली का है पर थोड़ा सा डिफरेंट कलर है, ऑल्दो ऑल ओवर लुक इसका काफी अच्छा आ रहा है, आप बताना आपको कैसा लगा। गाइस, नेक्स्ट मैंने ये अनारकली ड्रेस मंगाई है जो बहुत ही ब्यूटीफुल से मजेंटा कलर में है, और उसके ऊपर गोल्डन प्रिंट दे रखा है, और बहुत ही ज्यादा घेर है, मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा होता है अक्सर कि फोटोज में बहुत ज्यादा घेर दिखती है, पर एक्चुअल में जब आप प्रोडक्ट रिसीव करते हो तो घेर उतना होता नहीं है, लेकिन इसका घेर देख के आई वॉज अमेज्ड। बहुत ही अच्छा घेर था, कंफर्टेबल सॉफ्ट फैब्रिक है, और आप किसी भी इवेंट फंक्शन में इसको कैरी कर सकते हो विथ योर ज्वेलरी एंड हेयर स्टाइल, दिस गोना लुक ऑसम। सो मैं तो इसको डेफिनेटली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वेयर दिस आउट, तो आपको बताना कैसा लगा। ये सबसे अच्छा तो ये है कि इसके पीछे इस तरीके की डोरी दे रखी है, बहुत ही अच्छा हैक है, मैं तो अभी करने वाली हूँ। अगर घेर अच्छा, कलर अच्छा और एकदम मस्त फिटिंग का मिल गया, बाय द वे मैंने जितनी भी ड्रेसेस मंगाई है वो मीडियम साइज में हमेशा मंगाती हूँ, आपको एक क्वेश्चन आता है, तो अगर आपकी मतलब शेप मेरे जैसा हो तो यू कैन ऑप्ट फॉर मीडियम। नेक्स्ट मैंने एक फॉर्मल कुर्ती मंगाई है, आप इसको एज अ फॉर्मल कुर्ती या फिर डेली वेयर के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल और डिफरेंट ब्लू और व्हाइट कलर, व्हाइट तो सेम है बट इसका जो ब्लू कलर है वो थोड़ा डिफरेंट ब्लू कलर है, मुझे काफी अच्छा लगा। कॉलर वाला कुर्ता है और स्लीव्स भी आपको पूरी मिल जाती है, बहुत ही क्लासी एलिगेंट लुक आता है, एक्सपेंसिव तो बिल्कुल भी नहीं है बट लुक इसका काफी एक्सपेंसिव आता है इसको पहनने के बाद। ये आपको एक प्लाजो के साथ मिलता है, प्लाजो के ऊपर भी प्रिंट वर्क है और इस पूरी ड्रेस पे भी फ्लोरल प्रिंट वर्क दिया हुआ है, अगेन समर्स के लिए मस्ट अप्रोप्रिएट, बहुत ज्यादा हैवी नहीं है। इस ड्रेस को पहनने के बाद गर्मी तो बिल्कुल भी नहीं लगती है, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लगता है, तो आप ये वाला सूट भी ट्राई कर सकते हैं। और साथ ही साथ दुपट्टा भी मिला था, दुपट्टा मैं लेना भूल गई, तो बाद में याद आया दुपट्टा भी है, दुपट्टे का घेर और लेंथ सब विट लेंथ सब बहुत बढ़िया वाला है। अच्छा है, मैं सिर्फ कुर्तीज खरीदने से ज्यादा प्रेफर करती हूँ कि कुर्ता सेट ले लो, तो कम पैसों में 3 चीजें आपको मिल जाती है, पूरा प्रॉपर सेट बन के तैयार हो जाता है। बाय द वे मैंने कुछ वेस्टर्न ड्रेसेस भी मंगाई है, अगर आप मेरी और हॉल वीडियो देखना चाहते हो वेस्टर्न ड्रेसेस की तो कॉमेंट करके बताना, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे मैंने ये वाली ड्रेस मंगाई है, ऊपर आपको अगर ऐसे पहनना कंफर्टेबल फील करते हो सो यू कैन वेयर इट लाइक दिस, यहाँ से आप इसकी लेंथ को कम ज्यादा कर सकते हो, और ये एकदम पूरा कॉटन का है, बहुत ही ब्यूटीफुल ग्रीन कलर है, एंड देन अगर आप इसको जैकेट के साथ पहनना चाहते हो तो ये रहा इसका जैकेट, अगेन ये बहुत ज्यादा समर फ्रेंडली है और जैकेट है, बहुत ही अच्छा वेस्टर्न लुक देता है, विद और विदाउट जैकेट आप इसको कैरी कर सकते हो, सो समर्स के हिसाब से दिस वन इज द परफेक्ट वन, अगर आप बाहर आउटिंग पे जा रहे हो, बीच पे जा रहे हो, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करने जा रहे हो, वैसे अभी तो कहीं नहीं जा रहे, अभी तो हम घर में ही है, वी होप कि बहुत जल्दी हम लोग कहीं बाहर निकल पाए, लॉकडाउन खत्म हो, कोरोना खत्म हो, गाइस स्टे एट होम एंड बी सेफ।
सेफ एंड डू टेक केयर ऑफ योर फैमिली. तो इन फ्यूचर अगर जाना हुआ तो हम अभी से शॉपिंग कर सकते हैं, क्योंकि अभी चीजें काफी सस्ती मिल रही है. तो सेम वे यू कैन ट्राई. गाइस मीशो पे बहुत ज्यादा अच्छे वेस्टर्न कलेक्शन मुझे नजर आ रहे थे, बट मुझे लगा कि मेरी व्यूअर्स देखना चाहते हैं या नहीं. आप मुझे बताओ, देखो एक और ब्यूटीफुल सी वेस्टर्न ड्रेस मंगाई है. कमेंट करोगे तो अगली बार और भी आपको ट्राई करके दिखाऊंगी कि आपको अगर पसंद आए तो आप भी ट्राई कर सकते हो मेरे जैसे. बहुत ही ब्यूटीफुल सा पिस्ता कलर की ड्रेस है ये, और इसके ऊपर पिंक और रेड फ्लोरल कढ़ाई वाला वर्क है, और ये पहनने के बाद आप एकदम डॉल जैसे लगोगे. काफी अच्छा लगा मुझे. इसकी स्लीव्स भी बहुत ज्यादा अच्छी आपको घेर मिल जाएगी, बेल स्लीव्स है, एंड देन आपको यहाँ पे चेन मिल जाएगी. सो परफेक्ट फिटिंग का ये लगा मुझे. ऊपर से थोड़ा सा आपकी बॉडी हगिंग है और नीचे से थोड़ा सा घेर है, तो इनकेस टमी भी है तो उसको कवर अप कर देता है. परफेक्ट ड्रेस फॉर समर. दिस तो अगर आप वेस्टर्न पहनते हो तो ये आपको जरूर जरूर ट्राई करना चाहिए, बहुत कम्फर्टेबल है. मेकअप, आई ट्राइड मेकअप फ्रॉम मीशो. काफी सस्ता मेकअप मिल रहा था वहां पे, काफी ज्यादा सस्ता. देखो मेकअप सस्ता ठीक है, लेकिन सस्ते में क्वालिटी कैसी है वो बहुत मैटर करती है. कुछ भी आप सस्ता पहन लो दैट इज ओके, और फेस के ऊपर कुछ सस्ता लगाना कैन हार्म योर स्किन. ठीक है, सो मैं ट्राई तो कर रही हूँ, बट आप मुझे इनके इंग्रेडिएंट्स के बारे में नहीं पता कितना अच्छा ये पिगमेंट दे रहा है, कितना लॉन्ग लास्टिंग है, यानी यही ट्राई करती हूँ मैं. अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि सस्ती चीज है. काफी सस्ता मेकअप यू शुड ट्राई, थोड़ा ब्रांड का ट्राई करो. आई ऑलवेज प्रिफर दैट. So let me open this. बहुत ही cute packaging में है ये. अगर आपका budget बिल्कुल भी नहीं है और कभी कभार आपको लगाना है तब आप सस्ता makeup जरूर try कीजिएगा. अब ये वाला कितना अच्छा है, let's check that out. ये खुल ही नहीं रहा मुझसे. So guys ये इस तरीके के packaging में आता है और इसके अंदर 10 liquid lipstick के shades हैं. Wow, बहुत सस्ता है ये. एक lip shade देते हैं और swatch करके देखते हैं. सॉरी गाइस, मुझे लगा था ये लिक्विड लिपस्टिक है पर ये बुलेट लिपस्टिक है. लिक्विड तो मैंने मंगाई है, मुझे चेक करना पड़ेगा, मैं कंफ्यूज हो गई. सो ये ऐसे ओपन होता है, ये बुलेट लिपस्टिक है, एंड हियर इज द पिगमेंटेशन. बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आ रही है इसके अंदर से, एंड हियर इज द स्वॉच. कलर इज गुड बट आई रियली डोंट नो क्या इंग्रेडिएंट है. हाँ ये एकदम मैट है, पिगमेंटेशन काफी अच्छा है और ट्रांसफर रेजिस्टेंट है, हल्का हल्का ट्रांसफर हो रहा है, ज्यादा नहीं. मुझे इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी लगी ना, इसने तो मुझे पागल ही कर दिया. ये जब मैंने देखा तो मुझे बहुत सही लग रहा था. ये देखो बहुत ही ब्यूटीफुल सा आई शेडो पैलेट है, और ये यू विल सी मैजिक. तो लाइक दिस, ये एक शेड आपको दिख रहा है यहाँ पे, एक पैलेट, एंड देन ये देखो. oh, no. कुछ गिरा. गिर गया. मैंने इसको उल्टा गलत तरीके से खुला और ये इसके अंदर का पूरा मेकअप गिर गया. गाइस आई एम रियली सॉरी, मुझे इसे इस तरीके से ओपन नहीं करना चाहिए था. अब मैं आई विल बी रियली केयरफुल. तो ये देखो इस तरीके से ये एक और खुलता है, यहाँ पे एक और खुलता. अब मैं इसको उल्टा करूंगी तो गिर जाएगा. सो यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल से शेड्स आपको मिल जाएंगे. एंड लेट मी शो यू द पिगमेंटेशन. ये है पिगमेंटेशन, नॉट बैड. हम अच्छा है, पिगमेंटेड है, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ ज्यादा ही बर्बाद कर दिया. लेट इट बी. सेम मैंने ना दूसरे शेड में भी मंगाया, मैं आपको दूसरा शेड भी दिखा देती हूँ. सो गाइस यहाँ पे आपको बहुत सारे आई शेडोज मिल जाते हैं एक पैलेट के अंदर. इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है, ये कॉन्सेप्ट आइडिया मुझे अच्छा लगा, उसकी पिगमेंटेशन भी काफी अच्छी है. सो गाइस नेक्स्ट मैंने ये वाटर प्रूफ फाउंडेशन मंगाया है, आजकल बहुत ज्यादा वायरल है. सो चेक करते हैं कि ये कितना इफेक्टिव है. यानी मैंने बहुत सारे इंस्टा रील्स वगैरह में देखा है इसको. So let me show you. ये इस तरीके की पैकेजिंग में आता है. I like this. ये इसके अंदर ब्यूटी ब्लेंडर है. And your then it's like this. अंदर से ऐसा है. And now आपको यूज करना है तो इसमें प्रेस करेंगे. ये देखो पूरा इसके ऊपर छप गया है. And let's see कितना वाटर प्रूफ है या नहीं है. वैसे मैंने अपने हाथों पे लगा लिया है और जैसे कि आपको दिख रहा है इसे मेरे हाथों को यहाँ पे बहुत ज्यादा चमका दिया है. तो ये वाले हाथ बहुत ज्यादा चमक रहे हैं, बहुत ज्यादा व्हाइट हो गया है, और ये मेरा नॉर्मल कलर है. सो आई थिंक अगर आपका स्किन टोन बहुत ज्यादा फेयर है तो ये आपको सही रहेगा, अदरवाइज ये थोड़ा हर स्किन टोन के लिए ये नहीं जाएगा. और इसमें शेड और आई थिंक अवेलेबल नहीं थे, आई एम नॉट श्योर, बट सबके साथ ही जाएगा. अगर आप फेयर हो तो आप ये ट्राई कर सकते हो. काफी ज्यादा स्मूथ टेक्सचर है इसका, स्किन पे लगाते ही बहुत अच्छा मॉइस्चराइज भी कर रहा है और काफी स्मूथनेस, ग्लोई ड्यूई इफेक्ट भी दे रहा है. लेकिन ये फेमस इसलिए क्योंकि ये वाटर प्रूफ है. एक बार मैं वाटर प्रूफ है या नहीं ये चेक करके आती हूँ, वॉश करती हूँ फिर. सो गाइस ये देखो मेरा हाथ जहां मैंने लगाया वो बहुत ज्यादा व्हाइट हो गया, जहां नहीं लगाया वो नॉर्मल स्किन टोन में है, और यहाँ पे है वाटर. मैं अपना हाथ वाटर में डिप करती हूँ.
सो ये देखो पानी में हाथ डिप करने के बाद भी ये मेल्ट नहीं हुआ है, वैसे का वैसा है। अब एक बार मैं टिश्यू पेपर से इसे वाइप करती हूँ। सो अगर मैं इसको वाइप करती हूँ और फाउंडेशन बाहर निकल करके आ जाता है तो ये वाटर प्रूफ नहीं है, और नहीं आता तो ये वाटर प्रूफ है। चलो टेस्ट करते हैं, कमेंट करो पॉज करके, आपको क्या लगता है ये वाटर प्रूफ निकलेगा या नहीं। लेट्स चेक दिस आउट। टेंटेडन, ओके, सो हियर इट इज गाइस, ये वाटर प्रूफ है। पानी मैंने इसके ऊपर डाला, ये मेल्ट नहीं हुआ, टिश्यू पेपर से पानी वाइप किया, ये पानी और टिश्यू पेपर के साथ बाहर निकल करके नहीं आया। ये देखो ये जैसा था ये वैसा ही है। सही है, फिर तो समर्स के लिए काफी अच्छा है। समर्स में अगर आप चाहते हैं आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग बना रहे, पसीने से ना निकले, या फिर बारिश में भी, सही है, ये तो निकल ही नहीं रहा है। मैं इसको देखो इस तरह से बहुत बुरी तरीके से पोंछ भी रही हूँ, नहीं निकल रहा, नहीं निकल रहा। ये देखो वैसे का वैसा ही है, एंड स्टिल मेरी स्किन यहाँ पे जहाँ मैंने लगाया बहुत हाइड्रेटेड और मॉइस्चराइज लग रही है। मुझे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा। अगेन गाइस, आई रियली डोंट नो इसका इंग्रेडिएंट क्या है क्या नहीं, बट हाँ ये काम करता है, ये वाटरप्रूफ जैसे दिखाया जाता है वीडियोस में, ये वाटरप्रूफ है। आई लव गाइस, नेक्स्ट क्यूट सा प्रोडक्ट मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखो अगर आपका आपके घर में जहाँ फोन चार्ज करते हो वहाँ आपका बेड या टेबल नहीं है तो फोन नीचे रखो या लटका के रखो थोड़ा रिस्की रहता है, तो इसे आप ये ट्राई कर सकते हो। ये प्लग इन करो और आप अपना फोन इसमें रख दो, फोन चार्ज होता रहेगा और ये ऐसे भी रहेगा, सही है ना। ये आप प्लग इन करोगे और अपना चार्जर इधर लगा लोगे और यहाँ पे अपना फोन रख दोगे, चार्ज होता रहेगा आपका फोन। और ऐसे बहुत सारी चीजें थी क्यूट क्यूट सी, तो आप ट्राई कर लीजिएगा। चलो नेक्स्ट, मैंने वहां पे देखा आयुर्वेदिक तरीके से आप किसी भी टाइप के वॉट्स को हटा सकते हैं, मस्से मोल्स या ब्लड स्पॉट नहीं निकल आते हैं तो वो आप हटा सकते हो। जैसे मेरे को हो गए नेक में, मेरे को तो ये जेनेटिक है, मम्मी को है तो मेरे को भी हो गए हैं। वैसे मुझे नहीं लगता कि किसी DIY से ही सब ठीक हो सकता है, बट अगर उसके लिए कोई ऑइंटमेंट है, कोई दवाई है जिसको लगा के ठीक हो सकता है तो वो मैं ट्राई जरूर करना चाहूंगी, क्योंकि मेरे नेक पे बहुत सारे मस्से हो गए हैं छोटे छोटे, मैं इस पे छेद कर रही हूँ। कैसे अप्लाई करना है, एप्लीकेशन, इंग्रेडिएंट, इसमें कुछ नहीं लिखा है, अंदर है एक मैनुअल। इसमें लिखा है किसी भी तरीके के छोटे मस्से को हटाने के लिए काफी अच्छा है। इसके अंदर लिखा है कि आपको 2 दिन में इसको एक बार लगाना है, इस डंडी से, इस पर से शेक कीजिए, डंडी से लीजिए और अपने मस्से पे लगा दीजिए और आपके मस्से को ठीक कर देता है। पर मस्से को कितने दिनों में ठीक करता है इसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है। सो मैं इसको डेली आज से लगाना स्टार्ट करती हूँ और जैसे मेरे मस्से हट जाएंगे इसको लगाने से तो मैं अगली मीशो वीडियो में आपको रेकमेंड करूंगी, आप जरूर ट्राई कीजिए। फिलहाल मैंने मंगवा लिया है, अब इसको ट्राई करती हूँ और नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट मैंने बहुत क्यूट सॉक्स मंगाए हैं, 3 सॉक्स हैं इसके अंदर, ओके, और ये मुझे काफी डिफरेंट लग रहे थे सो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। सो पिक्चर में आपको दिखाती हूँ, पिक्चर में कुछ ज्यादा ही डिफरेंट लग रहे थे। तो इट्स लुक लाइक दिस, यहाँ पूरा नेट है और यहाँ पे फैब्रिक है, ठीक है, बहुत क्यूट है। सो गाइज मेरे पैर छोटे पड़ गए सॉक्स के लिए, उसमें साइज लिखा था यूनिवर्सल साइज सब में आ जाएगा, पर मेरे पैर में नहीं। कोई नहीं, 5-6 साल बाद हमारे बेबी में आ जाएगा। इस सॉक्स को यूज करने के लिए कुछ सालों में इंतजार करना पड़ेगा, नहीं आएंगे मेरे पैरों में। Although, देखो ये ऐसा दिख रहा है गाइस, अगर आपको दिख पा रहा है तो बहुत क्यूट है ये, मैं हाथों में पहन के दिखा देती हूँ आपको। बताओ कभी सोचा था सॉक्स भी क्यूट हो सकते हैं। सी क्यूटनेस ओवरलोडेड, थोड़ा सा यहाँ फिनिशिंग कम लग रही है मुझे। अगर आपके घर में बच्चे हैं या आपको टेडी बेयर्स का बहुत ज्यादा शौक है तो आप अफोर्डेबल टेडी बेयर ढूंढ रहे हो तो यू कैन चेक दिस। बहुत बड़ा है, बहुत क्यूट है, सॉफ्ट है और बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। सो ऑल्दो मेरे इस घर में तो कोई बच्चे है नहीं, सो ये मैंने किसी बच्चे को देने के लिए मंगाया है। सो ब्लॉग में आप देख सकते हो किसको मैं ये गिफ्ट करने वाली हूँ। दिस इज नॉट फॉर मी, दिस इज फॉर अ चाइल्ड। बहुत अच्छा है, इसको कड़ल करके सोने में बहुत मजा आएगा, बहुत सॉफ्ट है। सो ये टेडी बेयर भी आप ट्राई कर सकते हो। सो गाइस ये सारे इंटरेस्टिंग चीजें और ब्यूटीफुल सी ड्रेसेस अगर आप मीशो से मंगाना चाहते हो तो जो लिंक मैंने दे रखा है वहां आप डाउनलोड कर लीजिए। मीशो पे आपको जो भी चीज पसंद आती है उसको आप सिलेक्ट कीजिए, ऐड टू कार्ट कीजिए, साइज सिलेक्ट कर लेना, एंड देन आपको पेमेंट का ऑप्शन आता है, ऑनलाइन और कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन आपको आ जाता है। मैंने यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी किया है। सो अब जब आप इसका MRP डाल रहे होगे तो वहां पे आपको एक मार्जिन का ऑप्शन आता है कि आप अगर अपने लिए परचेज करना चाहते हो तो सेम MRP आप डाल के 0 मार्जिन पे सस्ते रेट में अपने लिए परचेज कर सकते हो। अगर यही आप अपने किसी फ्रेंड या फिर अपने क्लाइंट को सेल करना चाहते हो तो आप मार्जिन अपना देख लीजिए, आप कितना उसके ऊपर कमाना चाहते हो, तो बोला मार्जिन MRP में ऐड करके डाल दीजिए तो माइनस होकर के जो मार्जिन बचता है ना वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। एक बार आपका
जो पेमेंट का प्रोसेस पूरा हो जाता है। तो बहुत ही आसान तरीका है मीशो पे अपने लिए सस्ते रेट पे परचेज करना और दूसरों के लिए रीसेल करना। इंडिया का नंबर वन रीसेलिंग ऐप बन चुका है मीशो। अप टू 25,000 पर मंथ अर्न भी कर रहे हैं, तो अगर आप चाहते हो तो आप भी इस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और मेरा ब्लॉग है मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस, उसको भी चेकआउट जरूर कीजिएगा। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय गाइस।